हेलो एवरीवन, आज है 10 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, यस बैंक के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था। आज इनकी बोर्ड मीटिंग हुई है यस बैंक की, और बोर्ड मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। तो कौन से फैसले लिए गए हैं, और शेयर डेफिनेटली जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10% की भयंकर गिरावट लेकर बैठा है ये शेयर। तो कौन से फैसले लिए गए हैं और अभी इसमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक का शेयर 50 रुपए के ऊपर आ चुका है, 73 रुपीज से गिरकर नीचे आया है ये शेयर। तो अच्छी बात तो यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, 26% से भी ज्यादा की गिरावट है। आप देखिए, 73 रुपीज तक का हाई बना था, उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, फिर वापस से बाउंस बैक किया, लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई है ये थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले एक साल में यस बैंक का जो शेयर है उसमें 17% तक की गिरावट है, 280 रुपए तक का हाई यहाँ पर बना है और 32 रुपए तक का लो भी बना है। पिछले 3 साल में यस बैंक का जो शेयर है उसमें अगर हम बात करें तो 79% की गिरावट है, 393 रुपीज तक का हाई था और 32 रुपए तक का लो था, और जिस दिन 32 रुपए का इनको यस बैंक ने लो बनाया था उस दिन शेयर 30 रुपए तक भी टूट गया था, लेकिन एंड ऑफ द डे 32 पर ये क्लोज हुआ था। मिड कैप स्टॉक है ये, 12,890 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखेंगे तो 34 करोड़ से भी ज्यादा का इसमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर नतीजे की बात करेंगे तो देखिए, नतीजे उतने अच्छे नहीं आए हैं, पिछले 3 क्वार्टर के बहुत ही बुरे नतीजे हैं, और उसी की बदौलत शेयर में इतनी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिल रही है। 600 करोड़ का नुकसान देखने को मिला है सितंबर क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 1500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान था। हालांकि जून क्वार्टर में नुकसान नहीं था, लेकिन फायदा भी उतना ज्यादा नहीं था, सिर्फ 113 करोड़ का ही इनको फायदा हुआ था। और आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट अर्निंग की बात करें तो 5.5% की गिरावट है, नेट प्रॉफिट में भी भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 13.05% की होल्डिंग है, प्रमोटर ने अपनी बहुत बड़ी होल्डिंग कम की है। एफआईएस के पास 7.18% की होल्डिंग इन्होंने कम की है, 26.51% की ही होल्डिंग इनके पास बची हुई है। म्यूचुअल फंड के पास 9.26% की होल्डिंग बची है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.98% की होल्डिंग बची है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 41.14% की होल्डिंग यहां पर बचती हुई हमें दिखाई दे रही है। प्रमोटर के द्वारा 35% से भी ज्यादा की होल्डिंग गिर हुई है, 27 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है इसमें, 503 एफआईएस ने पैसा लगाया, एलआईसी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है जिनके पास 8% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 29.94% के करीब की देखने को मिल रही है। यस बैंक की जो आज बात करें, देखिए आज बोर्ड मीटिंग हुई थी इनकी, और जो सबसे बड़े निवेशक है इरविन सिंह, जो यस बैंक में $1.2 बिलियन का निवेश करने वाले हैं, तो उनकी जो बिड है उसको अंडर डिस्कशन में रखा गया है, फेवरेबली कंसिडर सीटेक्स होल्डिंग ऑफर। तो देखिए, अंडर डिस्कशन में यहाँ पर रखा गया है, जबकि सीटेक्स होल्डिंग ऑफर्स को यहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। तो खबर कुछ इस तरीके से है, द बोर्ड ऑफ यस बैंक December 10, मतलब आज, सेड इट विलिंग टू फेवरेबली कंसिडर ओवर 500 मिलियन ऑफर ऑफ सीटेक्स होल्डिंग एंड सीटेक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप। तो देखिए, सीटेक्स इन्वेस्टमेंट ग्रुप जो यस बैंक में $500 मिलियन का निवेश करना चाहता है, उनकी जो बिड है उनको ये फेवरेबली कंसीडर करने वाले हैं, तो मतलब इसको कंसीडर कर लेंगे यहां पर। इन अ नोटिस टू एक्सचेंज फॉलोइंग इट्स बोर्ड मीटिंग, यस बैंक सेड इट विल डिसाइड ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू सीटेक्स ग्रुप एंड इट्स नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। तो देखिए, उनकी अगली बोर्ड मीटिंग में सीटेक्स ग्रुप के जो इनका शेयर अलॉटमेंट है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़े निवेशक यहां पर आने वाले थे, द बैंक सेड द बिडिंग ऑफर ऑफ 1.2 बिलियन सबमिटेड बाय इरविन सिंह ब्रिज एसपीजीपी होल्डिंग कंटिन्यूज टू बी अंडर डिस्कशन। मतलब
बैंक ने उनको बताया नहीं है, मतलब बैंक ने अभी तक कहा है कि इरविन सिंह की जो बिडिंग का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट अभी तक नहीं किया गया है, उसको अभी भी अंडर डिस्कशन में रखा गया है, अंडर डिस्कशन में यहाँ पर रखा गया है। द रिलीज ऑल्सो नोटेड दैट इट शैल कंटिन्यू टू इवेल्युएट अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर टू रेज कैपिटल अप टू 2 बिलियन। तो देखिए, जो उन्होंने प्रेस रिलीज और सॉरी जो उन्होंने होल्डिंग स्टॉक मार्केट को जो बताया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, उसमें ये भी कहा है कि बैंक और भी ज्यादा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं जो यस बैंक में निवेश करना चाहते हैं, उनसे ये लोग बातचीत कर रहे हैं और उनको भी ये लोग टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो $2 मिलियन का जो निवेश है उसको ये वापस से ला सके। देयर हैव बिन रिपोर्ट सजेस्ट यस बैंक वुड रिजेक्ट कैनेडियन इंडस्ट्रीज इरविन सिंह ब्रीच 1.2 बिलियन बिड इन फेवर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो यहां पर एक और बड़ी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है और वही है कि शायद यस बैंक इरविन सिंह की जो बिड है, जो ऑफर है 1.2 बिलियन की, उसको रिजेक्ट भी कर सकता है ताकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को फेवर ये लोग कर सके। तो इनकी होल्डिंग को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर। द ऑफर फ्रॉम ब्रिज एंड हांगकॉन्ग बेस्ड एसपीजीपी होल्डिंग हैज बीन एक्सपेक्टेड टू मेक अप बल्क ऑफ यस बैंक्स 2 बिलियन फंड रेजिंग प्लान बट वॉज क्लाउडेड बाई कंसर्न ओवर सर्टन फॉरन बीडर्स बींग डिस अलाउड टू अक्वायर अ स्टेक इन अ बैंक बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए, जैसे कि पहले खबर आ रही थी कि यस बैंक टोटल $2 बिलियन का फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े जो फंड रेजर थे वो इरविन सिंह ब्रिज थे जो $1.2 बिलियन का निवेश करने वाले थे। लेकिन काफी ज्यादा चर्चा थी कि आरबीआई जो है वो किसी भी फॉरेन बीडर्स को किसी भी बैंक में इतनी बड़ी होल्डिंग अक्वायर नहीं करने देगा, क्योंकि देखिए जो यस बैंक प्लान कर रहा है फंड रेजिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इश्यू करके वो लोग प्लान कर रहे हैं। अब क्या होगा कि उनको पैसा अगर जुटाना है तो उनको इक्विटी इश्यू करनी पड़ेगी। इक्विटी अगर ये लोग इश्यू करेंगे तो अगर इरविन सिंह 1.2 बिलियन डॉलर का निवेश करना चाहते हैं तो उनको कम से कम 30 से 35% की इक्विटी इश्यू करनी पड़ेगी, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। बोर्ड में उनको सीट भी देनी पड़ेगी, तो आरबीआई जो है वो इसको अप्रूव नहीं करेगा, ऐसी काफी जगह पर डिस्कशन हुई भी थी। और इरविन सिंह की अगर हम बात करें तो उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी जो फर्म है उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उतना अच्छा भी नहीं है, तो काफी लोग इससे खुश भी नहीं थे कि क्या वाकई में इससे कुछ हो पाएगा कि नहीं, तो एक ये भी सवाल जरूर सामने था। और अगर हम बात करें मनी कंट्रोल की, तो मनी कंट्रोल में जो सिचुएशन हाल फिलहाल में निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग अगर यस बैंक की हम बात करें, तो यस बैंक में जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो शेयर है वो 50 के ऊपर तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग इसमें खरीदारी के लिए कह रहे हैं, 21% लोग इसमें बेचने के लिए कह रहे हैं, 6% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें यस बैंक के ऊपर लगे कर्जे की, तो देखिए कर्जा बहुत बड़ा है, 3,36,000 करोड़ से भी ज्यादा का इनके ऊपर कर्जा है। 600 करोड़ का देखिए लॉस हुआ था, 1,500 करोड़ का लॉस हुआ था, और उससे बड़ी जो दिक्कत है वो है इनकी असेट्स क्वालिटी। इनका जो एनपीएस है वो उतना अच्छा नहीं है, असेट्स क्वालिटी के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन रेज किए जा चुके हैं और असेट्स क्वालिटी एक अच्छी नहीं है, और इसी की वजह से यस बैंक फंड रेजिंग को लेकर भी जा रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की, तो देखिए प्रमोटर के पास 13% की होल्डिंग है, लेकिन ये सितंबर का डेटा है, हाल फिलहाल में प्रमोटर के पास 13% की भी होल्डिंग नहीं है। और अगर हम बात करें तो राणा कपूर जो प्रमोटर थे वो अपनी होल्डिंग बेच चुके हैं पिछले महीने ओपन मार्केट में, अब राणा कपूर के पास सिर्फ 900 शेयर बचे हैं जो किसी भी रिटेल निवेशक से भी बहुत ही कम शेयर्स है। तो ओवरऑल प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग गिराई है, अब नए प्रमोटर्स यहाँ पर जरूर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि एफआईएल के पास 26% की होल्डिंग है,
इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.98% की होल्डिंग, और सबने अपनी होल्डिंग धीरे धीरे कम की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक खराब है, बैंक डूब जाएगा, लेकिन एक चीज है कि बैंक में हाल फिलहाल निवेश करने का अच्छा वक्त नहीं चल रहा है। रीजन ये कि बहुत कुछ चल रहा है बैंक में, बैंक फंड रेजिंग को लेकर जा रहा है, उसके लिए ये लोग इक्विटी इश्यू करेंगे। अब किस प्राइस के ऊपर इक्विटी इश्यू करेंगे वो जानना सबसे पहले जरूरी है, कौन कौन निवेशक है, कौन कौन पैसा लगा रहा है, ये भी जानना जरूरी है। तो जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती किस प्राइस के ऊपर इक्विटी इश्यू हो रही है, कौन नया निवेशक है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसको जाने बिना कोई भी नया निवेशक इसमें कोई भी रिटेल निवेशक इसमें हाथ तो नहीं डालेगा। तो बाकी मर्जी आपकी है, आपको अगर रिस्क लेना है तो आप यस बैंक में खरीदारी कर सकते हो, लेकिन एज अ रिटेल निवेशक मैं सबसे पहले इस बैंक में तभी पैसा लगाऊंगा जब मुझे किस प्राइस पे इक्विटी इश्यू हो रही है वो पता हो, कौन यहाँ पर पैसा लगा रहा है वो पता हो, और सारी चीजें क्लियर हो, उसके बाद ही मैं इसमें पैसा लगाऊंगा। बैंक अच्छा है, नजर जरूर रखिए इसके ऊपर। खरीदारी के और भी ज्यादा बढ़िया मौके आपको आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में बैंक ग्रो कर सकता है, नया मैनेजमेंट है तो डेफिनेटली बैंक आने वाले दिनों में ग्रो करने का पूरा पोटेंशियल रखता है। तो डरने की जरूरत नहीं है अगर आप बहुत बड़े लॉस में हो, लेकिन एवरेजिंग करने की या फर्दर खरीदारी करने की कोशिश ना करें। हो सकता है कि आपका पैसा थोड़े वक्त के लिए इसमें फंसा हुआ रह सकता है, लेकिन एवरेज करके या फिर नए पोजीशन इसमें बनाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इसमें वेट करें, सारी चीजों को क्लियर हो जाने दीजिए, उसके बाद ही इसमें निवेश करिए तो बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।